नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। राशिफल के श्रृंखला में आज 7 अगस्त 2022 दिन रविवार, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, दसवीं तिथि, 11:50 PM तक रहेंगे। नक्षत्र अनुराधा, जिसके स्वामी शनि देव हैं, ये 4:30 PM तक रहेंगे। उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र का आगमन हो जाएगा। राशि वृश्चिक राशि रहेंगे। राहु काल 4:52 से यानी 4:52 PM से 6:31 यानी 6:31 PM तक। रात्रि राहु काल 3:58 AM से यानी 3:58 AM से 5:19 AM तक। आज मित्रता दिवस भी मनाई जाती है। यहाँ पर मैं बता दूँ कि 4:30 के बाद PM संध्या, 4:30 संध्या के बाद जिस बच्चे का जन्म होता है वो गंडमूल नक्षत्र में उनका जन्म होगा, यानी कि आम बोलचाल के भाषा में 27 में उनका जन्म होगा। अगर उनका जन्म प्रथम चरण में होता है तो बड़े भाई के लिए थोड़ी सी कष्ट की बातें होती हैं, द्वितीय चरण में होता है तो छोटे भाइयों के लिए भी कुछ कष्ट की बातें होती हैं, तृतीय चरण में होता है तो माता को कष्ट की संभावनाएं होती हैं, और चतुर्थ चरण में अगर जन्म होता है ज्येष्ठा नक्षत्र के तो स्वयं को कष्ट होने की संभावनाएं होती हैं। तो आइए आज का राशिफल शुरू करें। सबसे पहले मेष राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में, और चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, आपके लग्नेश भी मंगल हैं, तो चंद्रदेव के वृश्चिक राशि में होने के कारण थोड़े से आप में परिवर्तन आज के दिन आएगा। मंगल भी जो आपके लग्न में बैठे हुए हैं सूर्य के नक्षत्र में चले गए हैं, सूर्य आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, तो जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो NGO चलाते हैं, जो आम जीवन में रह के समाज सेवा करते हैं, उनके लिए बहुत ही सुंदर समय है। उनकी मान्यता, उनकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ने वाली है, समाज में काफ़ी मान सम्मान इज्जत होगा, लेकिन आपके ब्लड प्रेशर कुछ बढ़ सकते हैं, गुस्से में थोड़े ज़्यादा रह सकते हैं। यात्रा आज के दिन न करें तो ज़्यादा अच्छा है। जो व्यक्ति जमीन जायदाद का काम करते हैं, जो व्यक्ति लोहे से जुड़े हुए काम करते हैं, जो व्यक्ति इंजीनियरिंग सेक्टर में है, जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। जो व्यक्ति कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जो व्यक्ति एजुकेशन लाइन में है, जो व्यक्ति फाइनेंस लाइन में है, जो व्यक्ति सरकारी तंत्र में है, उनके के लिए समय बहुत अच्छा है। जो व्यक्ति प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं थोड़ा संभल के देंगे, समय आपके लिए प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अच्छे नहीं है। अगर प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट निकलता है तो उसके के लिए भी समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। 10:28 से लेकर 1:31 PM तक का समय, ये समय थोड़े से उलझन में आप रहेंगे, थोड़े से जल्दीबाजी में आप रहेंगे, जमीन जायदाद के काम में ज़्यादा जल्दीबाजी में रहेंगे। तो जो व्यक्ति जमीन जायदाद का काम करते हैं इस समय जल्दीबाजी ना करें। जिन व्यक्तियों को सरकारी नौकरी की इच्छाएं हैं वो थोड़े से अभी मेहनत करें, उनके के लिए समय आज का दिन अच्छा नहीं है। 1:31 से लेकर 4:30 तक का समय, ये समय थोड़े से खर्च के ज़्यादा हैं, हालांकि काफ़ी धार्मिक रहेंगे आप, धर्म के प्रति पूर्ण आस्था रहेगी, दान पुण्य में ज़्यादा विश्वास करेंगे, लेकिन इस समय थोड़े से स्वास्थ्य में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है।
4:30 के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे ज्येष्ठा नक्षत्र में, जिसके स्वामी बुध देव हैं और बुध आपके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं। तो ये समय 4:30 से लेकर 7:40 तक का समय, ये समय आपके लिए कर्ज लेने के लिए अच्छा है, छोटे मोटे विदेश से यात्रा के लिए अच्छा है। जो व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में नौकरी चाहते हैं उनके के लिए ये समय अच्छा है। जो व्यक्ति एग्रीकल्चर सेक्टर में है, फाइनेंस सेक्टर में है, एजुकेशन सेक्टर में है, उनके के लिए समय अच्छा है। 8:58 यानी 8:58 PM से 12:40 AM तक, यानी 12 बजे रात्रि तक ही रहें, ये समय बहुत अच्छा नहीं है। दाम्पत्य जीवन से काफ़ी तनाव होने की स्थिति बनती है आपकी, किसी भी महिलाओं से झंझट की स्थिति बनती है, लिविंग रिलेशन वाले का रिलेशन टूटने की स्थिति बनती है। तो ये समय बहुत अच्छा नहीं है, पूर्ण रूप से सावधानी से काम लें और क्रोध की भावना को कम करें, यात्रा आज के दिन नहीं करें। मेष राशि वाले दिन बहुत अच्छा नहीं है, सूर्य को जल चढ़ावें। ओम घिरणीय सूर्याय नमः, ओम घिरणीय सूर्याय नमः, ओम घिरणीय सूर्याय नमः का जाप करते हुए सूर्य को जल चढ़ावें तथा अपने मंदिर में बैठकर 108 बार गायत्री मंत्र का पाठ करें। आज के दिन आप दुर्गा जी के भी मंत्रों का जाप करते हैं तो काफ़ी लाभ होगा। शिवालय जाएं, शिवलिंग पर जल दूध मत चढ़ावें, जल में थोड़ा सा दूध डाल दें, मिश्री डाल दें और वहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करें। और साथ ही साथ आज के दिन दुर्गा जी के 32 नाम का जाप आप करना ना भूलें, ये आपको बहुत राहत पहुंचाएगा। दिन आपका शुभ हो। वृषभ राशि, चंद्रदेव आपके सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं, चंद्रमा 4:30 तक शनि के ही नक्षत्र में रहेंगे और शनि देव बैठे हुए हैं आपके भाग भाव में। पार्टनरशिप के व्यापार से आज लाभ होने की स्थिति है, विदेश से आपको लाभ होने की स्थिति है, शिपिंग में जो काम करते हैं उनको लाभ होने की स्थिति है, जो लिक्विड बेस काम करते हैं लाभ होने की स्थिति है, जो व्यक्ति नौकरी पकड़ना चाहते हैं, बैंकिंग सर्विस दिए हुए हैं या किसी भी एजुकेशन लाइन में, टीचिंग लाइन में आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। बृहस्पति देव आपके पंचम स्थान को देख के आपको धन लक्ष्मी और संतान में वृद्धि कर रहे हैं, संतान के भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। बृहस्पति देव आपके व्यापार स्थान को देख के व्यापार में काफ़ी वृद्धि कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए अच्छा दिन है, बुरा दिन नहीं है। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ होने की स्थिति बनती है, लेकिन जो व्यक्ति जमीन जायदाद का व्यापार करते हैं, रियल एस्टेट में काम करते हैं, उनके के लिए समय कहीं से अच्छा नहीं है। जो व्यक्ति लोहे का काम करते हैं उनके के लिए समय अच्छा है, लेकिन उनकी सोच से कम ही आय होगा। जो व्यक्ति विशेष करके दवा का व्यापार करते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा होने की स्थिति नहीं है। आज के दिन दाम्पत्य जीवन से आपको ज़्यादा तनाव की स्थिति बनती है। 10:28 से लेकर 1:31 तक का समय, ये समय बहुत अच्छा समय नहीं है, थोड़े से मन बेचैन रह सकते हैं, व्यापार के कारण ज़्यादा मन बेचैन रह सकता है, कर्ज की स्थिति रह सकती है, लेकिन विदेश से प्रयास करें तो विदेश से आपको लाभ की स्थिति बनती है, विशेष करके कॉस्मेटिक के क्षेत्र में आपको काफ़ी लाभ की स्थिति बनती है। 1:31 से लेकर 4:30 तक का समय, ये समय पूरे दिन का सर्वश्रेष्ठ समय है आपके लिए। 1:31 से लेकर 4:30 तक का समय भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा।
कर्म में ज्यादा विश्वास करेंगे, काफी मेहनत करेंगे, आपके कर्म के अनुसार ही आपको लाभ होने की स्थिति बनती है। लेकिन लाभ होनी तय है। 4:30 के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे ज्येष्ठा नक्षत्र में, जिसके स्वामी बुध हैं, और बुध आपके कुंडली में पंचम स्थान के स्वामी हैं, बुध आपके कुंडली में द्वितीय स्थान के स्वामी हैं। तो माता के प्रॉपर्टी से आपको लाभ होगा, माता से लाभ होगा, बहन से लाभ होगा। संतान की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ रह सकती है इस समय, हालांकि बुद्धि आपके काफी प्रखर रहेंगे, व्यापार से काफी लाभ होने की स्थिति बनती है, लेकिन विदेश के व्यापार से लाभ होने की स्थिति बनती है आपकी। सामाजिक कार्य में काफी लाभ मिलेगा, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको काफ़ी लाभ मिलेगा, जो एनजीओ चलाते हैं उनको काफ़ी लाभ मिलेगा, जो एजुकेशन सेक्टर में हैं उनको मन मुताबिक लाभ मिलने की संभावनाएं नहीं है, जो फाइनेंस सेक्टर में हैं उनको मन मुताबिक लाभ मिलने की संभावनाएं नहीं है, लेकिन जो इंश्योरेंस सेक्टर में हैं उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। 7:40 से लेकर 8:58 तक का समय, ये समय कर्ज लेने के थोड़े समय हो सकते हैं, कुछ यात्राएं का समय हो सकता है, विदेश से कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आप करना चाहें विशेष करके इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, तो इसमें आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। 8:58 से लेके रात्रि 12 तक का समय, ये समय थोड़े से रोमांटिक मूड में रहेंगे, कुछ यात्रा का योग है, कहीं बाहर जा सकते हैं, लेकिन ये समय भी बहुत अच्छा समय आपका नहीं है, स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, सर्दी खांसी बुखार का प्रकोप रह सकता है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें आप। रविवार का दिन है, आज के दिन आप शिवालय जाएं, शिव जी पर लाल फूल चढ़ावें, वहीं जल में थोड़े से दूध मिला दें और इस मंत्र का जाप करें, ओम ह्रीम श्रीम शिवाय नमः श्रीम ह्रीम, ओम ह्रीम श्रीम शिवाय नमः श्रीम ह्रीम। साथ में बैठकर वहां बुध के मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम स बुद्धाय नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम स बुद्धाय नमः। दुर्गा जी के इस मंत्र का जाप आपको सबसे ज्यादा लाभ देगा। शर्वावाधा प्रसन्नम त्रिलोक सकलेश्वरी एम तेम कार्यम अस्मद भैरी विनाशनम, शर्वावाधा प्रसन्नम त्रिलोक सकलेश्वरी एम तेम कार्यम अस्मद भैरी विनाशनम, ये मंत्र आपको काफी लाभ पहुंचाएंगे, दिन आपका शुभ हो। मिथुन राशि, चंद्रदेव आपके छठे स्थान में बैठे हुए हैं, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है, शनि आपके अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं, कर्ज लेने की स्थिति हो सकती है आपकी, जमीन जायदाद के खरीद में आप कुछ कर्ज ले सकते हैं, हालांकि रियल एस्टेट के लिए आपके लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन वाहन चलाने में पूर्ण रूप से आप सावधानी रखें, छोटे मोटे घटना दुर्घटना का प्रबल योग है। शनि अष्टम में है, शनि मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, मंगल आपके कुंडली में एकादश स्थान के स्वामी हैं और मंगल आपके कुंडली में छठे स्थान के ही स्वामी हैं, तो शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, हालांकि मंगल की 8वीं दृष्टि छठे पर पड़ रही है तो शत्रु आपका बिगाड़ नहीं सकते हैं। ब्लड प्रेशर पे थोड़े से ध्यान दें, गुस्से पे थोड़े ज़्यादा ध्यान दें आप, आज के दिन गुस्सा से बहुत सारे आपके काम बिगड़ सकते हैं। सूर्य और शुक्र आपके बाणी हाउस में बैठे हुए हैं, तो वाणी भी आपकी गड़बड़ा सकती है। जो व्यक्ति फिल्मों में काम करते हैं, जो गायिका हैं गायक हैं, उनके लिए समय अच्छा है। 10:28 से लेकर 1:31 PM तक का समय, अचानक धन लाभ हो सकता है, लेकिन कोई जमीन जायदाद में आपसे फरेब भी कर सकते हैं, फरेब से बचें, फरेब खाने से बचें और फरेब करने से बचें, दोनों से आपको बचना है। जो व्यक्ति इंश्योरेंस सेक्टर में है काफी लाभ होने की स्थिति है, जो व्यक्ति नौकरी करते हैं
उनके के लिए समय बहुत अच्छा है, उनका प्रमोशन हो सकता है, मॉनेटरी गेन हो सकता है, धर्म के प्रति उनकी काफ़ी चाहत रहेगी, धर्म के प्रति काफ़ी लगाव रहेगा, धार्मिक स्थान की भी यात्राएं कर सकते हैं। 1:31 से लेकर 4:30 तक का समय कर्म के क्षेत्र में विशेष सावधानी बरते हैं, जो व्यक्ति इंश्योरेंस सेक्टर में हैं विशेष सावधानी बरते हैं। लेकिन ये समय जो व्यक्ति ज्योतिषी हैं, जो व्यक्ति तंत्र करते हैं, जो व्यक्ति मंत्र करते हैं, उनके के लिए समय बहुत अच्छा है। 4:30 के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे ज्येष्ठा नक्षत्र में, जिसके स्वामी बुद्धदेव हैं। बुद्धदेव सिंह राशि में बैठे हुए हैं, बुद्धदेव खुद केतु के नक्षत्र में हैं। ऐसे में आपके बच्चे की रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होंगे। जो छात्र छात्राएं हैं उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होने की संभावनाएं हैं, हायर एजुकेशन में उनका एडमिशन होने की संभावनाएं हैं, विदेश जाने की भी संभावनाएं प्रबल होगी एजुकेशन के रिलेटेड। तो ये समय आपके लिए, खास करके स्टूडेंट के लिए बहुत ही खूबसूरत समय है। 4:30 से लेकर 7:40 तक का समय, 7:40 से लेकर 8:58 तक का भी समय आपके लिए अच्छा है। यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक स्थान पर यात्राएं कर सकते हैं, संतान से काफ़ी लाभ होने की स्थिति बनती है आपकी, काफ़ी धार्मिक मूड में रहेंगे, तंत्र मंत्र में विशेष रुचि रहेगी। जो तांत्रिक हैं, जो मांत्रिक हैं, उनके के लिए बेहतर से बेहतर समय है। 8:58 से लेकर रात्रि 12 बजे तक का समय, ये समय जो फिल्मों में काम करते हैं काफ़ी लाभ होने जा रहा है उनको, जो व्यक्ति कॉस्मेटिक का काम करते हैं काफ़ी लाभ होने जा रहा है, जो होटल का काम करते हैं काफ़ी लाभ होने जा रहा है। शुक्रदेव कर्क राशि में ट्रांजिट कर चुके हैं, शुक्र आपकी कुंडली में बृहस्पति के नक्षत्र में है और बृहस्पति देव कर्म भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र से बृहस्पति नवम में बैठे हुए हैं। जो व्यक्ति लेखनी के धनी हैं, अच्छी अच्छी स्टोरी लिखते हैं, शेर व शायरी करते हैं, उनके के लिए शानदार समय है। तो कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले, दिन आज आपका अच्छा है। आज के दिन लाल गाय को 1.25 किलो पालक जरूर खिलावें, हनुमान चालीसा का जरूर पाठ करें और जल में थोड़े से गुड़ और चावल डालकर सूर्य को चढ़ावे। ओम घिरणीय सूर्याय नमः, ओम घिरणीय सूर्याय नमः, ओम घिरणीय सूर्याय नमः का जाप करें और दुर्गा जी के 32 नामों का जाप करें, काफ़ी सफलता मिलेगी। दिन आपका अच्छा है, वाहन चलाने में सावधानी रखें, दिन आपका शुभ हो। कर्क राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके पंचम स्थान पर, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है, शनि बैठे हुए हैं आपके सप्तम स्थान पर, शनि मंगल के नक्षत्र में है, मंगल आपके दशम में बैठे हुए हैं, बहुत ही सुंदर समय है। सूर्यदेव शुक्र आपके बैठे हुए हैं लग्न में, सूर्य आपके मान सम्मान को काफ़ी बढ़ा रहे हैं, काफ़ी इगोइस्ट आपको बना रहे हैं, किसी की बात जल्दी सुनेंगे नहीं आप, काफ़ी रोमांटिक मूड में भी आज रहेंगे। कर्म के क्षेत्र के लिए बहुत ही सुंदर समय है आपके लिए। जिन व्यक्तियों को नौकरी नहीं है कर्क राशि वाले, उनको आज नौकरी मिलने की, सरकारी नौकरी मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। जो व्यक्ति डॉक्टर हैं, जो व्यक्ति कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो व्यक्ति पुलिस सेवा में है, समय बहुत ही शानदार है। जो व्यक्ति रियल एस्टेट में काम करते हैं, जमीन जायदाद का काम करते हैं, जो इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, उनके के लिए भी समय बहुत अच्छा है। जो व्यक्ति शिपिंग का व्यापार करते हैं, जो व्यक्ति टूर एंड टूरिज्म का व्यापार करते हैं, उनके के लिए भी समय बहुत अच्छा है। तो समय आपके लिए तो है बहुत अच्छा, लेकिन दाम्पत्य जीवन से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। बुद्धिमान काफ़ी रहेंगे, वाणी में काफ़ी लज्जत रहेगी, लेकिन कभी कभी आप आदेश वाली वाणी बोलेंगे, हर व्यक्ति को आदेश देंगे,
तो आदेश देने वाली वाणी बंद करें। आज का दिन आपके लिए श्रेष्ठ है। 10:28 से लेकर 1:31 तक का समय, ये समय आपके लिए कर्म के क्षेत्र के लिए बहुत ही बेहतर समय है, बहुत ही बेहतर समय है। दिन रविवार है लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, जो भी काम करेंगे सफलता मिलेगी, खास करके रियल एस्टेट वाले को काफ़ी सफलता मिलेगी। अन सम्मान तो आपका काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा, जो सरकारी तंत्र से काम लेके काम करते हैं उनसे भी सरकारी अधिकारी का बहुत ही अच्छा सहयोग रहेगा। 1:31 से लेकर 4:30 तक का समय, ये समय भी आपके लिए काफ़ी बेहतर समय है। जो व्यक्ति सोशल सर्विस का काम करते हैं, एनजीओ चलाते हैं, जो व्यक्ति नेता हैं अपने क्षेत्र में, जाएंगे तो काफ़ी मान सम्मान से नवाजे जाएंगे। 4:30 के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में। बुध आपकी कुंडली के अच्छे ग्रह नहीं हैं, बुध आपके 12वें हाउस के स्वामी हैं और बुध आपके 3रे हाउस के स्वामी हैं, दूसरे हाउस में बैठे हुए हैं, तो जमीन जायदाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ज़्यादा दिमाग न लगावें, संयम से काम लें। जो व्यक्ति एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं थोड़े प्रॉब्लम उनको भी हो सकती है 4:30 के बाद। तो 4:30 के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, जबकि काफ़ी बुद्धिमान आप रहेंगे। 4:30 से लेकर 7:40 तक का समय, हालांकि माता से आपको फायदा होगा, पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का में काम करते हैं, जो संचार माध्यम से काम करते हैं, उनके लिए समय अच्छा है। जो व्यक्ति शिपिंग का व्यापार करते हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। जो व्यक्ति टूर एंड टूरिज्म ऑर्गेनाइज करते हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। 7:40 से लेकर 8:58 तक का समय, ये समय थोड़े से यात्रा का होंगे, छोटे मोटे यात्राएँ करेंगे, धर्म धार्मिक स्थान पर भी यात्राएं कर सकते हैं और यात्रा से आपको लाभ होगा। 8:58 से लेकर 12:00 तक का समय, ये समय थोड़ा सा काफ़ी रोमांटिक रहेंगे, घूमने फिरने का प्रोग्राम बनावेंगे, बड़े बड़े होटल में खाना खाएंगे। तो कुल मिलाकर कर्क राशि वाले, दिन आपका बहुत ही अच्छा है। आज के दिन आप सूर्य को जल चढ़ाना ना भूलें। ओम घिरणीय सूर्याय नमः, ओम घिरणीय सूर्याय नमः, ओम घिरणीय सूर्याय नमः। साथ ही साथ सूर्य को जल चढ़ाने के बाद गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। गायत्री मंत्र के जाप के बाद आप दुर्गा जी के 32 नाम का जाप करें या अर्गला के इस स्तोत्र का जाप करें। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जयी। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जयी। काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। सिंह राशि, चंद्रमा आपके चतुर्थ स्थान पर बैठे हुए हैं, चंद्रदेव शनि के नक्षत्र में हैं, शनि आपके छठे स्थान में बैठे हुए हैं, शनिदेव मंगल के नक्षत्र में है, मंगल आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। आपके राशि और लग्न भाव के स्वामी सूर्यदेव आपके 12वें में बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। शुक्र भी आपके कुंडली में अच्छे ग्रह नहीं है, हालांकि कर्म भाव के स्वामी हैं, लेकिन 3रे स्थान उनका मूल त्रिकोण स्थान है तुला राशि, तो स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। दाम्पत्य जीवन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। फालतू खर्च से दूर रहने की ज़रूरत है आपको। प्रशासनिक सेवक से डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। कोई भी झंझट ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो व्यक्ति प्रशासनिक क्षेत्र में हैं, डॉक्टर हैं, उनके लिए समय तो कहीं से अच्छा नहीं है। जो व्यक्ति पुलिस सेवा में है,
इंजीनियरिंग सेक्टर में हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है, जो व्यक्ति शिपिंग का व्यापार करते हैं उनके लिए समय अच्छा है। बुद्धि तो आपका काफ़ी तेज रहेगा। आय भाव के स्वामी या धन भाव के स्वामी आपके लग्न में बैठे हुए हैं और केतु के नक्षत्र में हैं, तो विदेश से लाभ होने की काफ़ी संभावनाएँ प्रबल रहेंगी। एजुकेशन सेक्टर से काफ़ी लाभ मिलने की संभावनाएँ प्रबल रहेंगी। जो व्यक्ति ग्रोसरी का व्यापार करते हैं, दाल चावल का व्यापार करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। जो व्यक्ति गेहूं का व्यापार करते हैं, आटे का व्यापार करते हैं, उनके लिए समय अच्छा नहीं है। जो व्यक्ति नौकरी की तलाश में है उनके लिए भी समय आज अच्छा नहीं है। 10:28 से लेकर 1:31 तक का समय भाग्य थोड़ा साथ देगा। पूजा पाठ करने में आपका मन नहीं लगेगा। दाम्पत्य जीवन से थोड़ी ज़्यादा परेशानी रहेगी, तो थोड़ा सा समझदारी से काम लें, संयम से काम लें। 1:31 से लेकर 4:30 तक का समय, ये समय तो कहीं से भी अच्छा नहीं है आपका। हालांकि डूबे हुए कुछ पैसे आपको मिल सकते हैं, खर्च में आपकी कमी हो सकती है इस समय। जो व्यक्ति फिल्मों में काम करते हैं उनके के लिए भी आज अच्छा समय नहीं है। तो समय का ध्यान रखें। पेट में प्रॉब्लम होने की संभावनाएं हैं, स्वास्थ्य अच्छे नहीं रहेंगे, आपको मान सम्मान में भी कमी हो सकती है। 4:30 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे ज्येष्ठा नक्षत्र में, जिसके स्वामी बुध आपके लग्न में बैठे हुए हैं और बुध केतु के ही नक्षत्र में है। केतु आपके कुंडली में तृतीय स्थान में बैठे हुए हैं, विदेश से लाभ होने की संभावनाएं हैं, पड़ोसी से झंझट होने की संभावनाएं हैं। जो व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में काम करते हैं, जो व्यक्ति संचार माध्यम से काम करते हैं, उनको काफ़ी लाभ होने की संभावना इस समय प्रबल है। 4:30 से लेकर 7:40 तक, 7:40 से लेकर 8:58 तक का समय, ये समय विदेश से लाभ का है। यात्राएं हो सकती है, संचार माध्यम से काफ़ी लाभ हो सकता है। तंत्र मंत्र में आप काफ़ी इंटरेस्ट ले सकते हैं, कुछ तांत्रिक क्रियाएं कर सकते हैं आप। कुल मिलाकर सिंह राशि वाले समय आपका अच्छा नहीं है। सूर्य को जल चढ़ावें, जल में थोड़े से सिंदूर और गुड़ डालें और सूर्य को जल चढ़ाते वक्त इस मंत्र का जाप करें, ओम ह्रां घृं ह्रौं सः सूर्याय नमः, ओम ह्रां घृं ह्रौं सः सूर्याय नमः। और गिरे हुए जल को माथे पर तिलक लगावे, उपरांत 108 बार गायत्री मंत्र का जरूर जाप करें। पुनः दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र का जाप करें, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। कन्या राशि, चंद्रदेव आपके तृतीय स्थान में बैठे हुए हैं, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है, शनि आपके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं, शनि देव आपके पंचम और छठे के दोनों के स्वामी हैं। संतान के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होगा, आप अपने स्वास्थ्य की विशेष चिंता करें। आपके लग्न भाव के स्वामी बुध देव आपके बारहवें में बैठे हुए हैं, तो आपका भी स्वास्थ्य अच्छा रहने की संभावना आज भी नहीं है। बुध केतु के नक्षत्र में है, केतु बृहस्पति के नक्षत्र में है, तो विदेश से लाभ होने की संभावनाएं होंगी, अच्छे अच्छे समाचार सुनने की संभावनाएं होंगी, दाम्पत्य जीवन से काफ़ी लाभ होने की संभावनाएं होंगी, मान प्रतिष्ठा आपका बढ़ेगा। जो व्यक्ति जमीन के व्यापारी हैं, लकड़ी उद्योग से काम करते हैं, उनके लिए समय अच्छा नहीं है। जो व्यक्ति नौकरी की तलाश में है, प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, उनका परीक्षा काफ़ी अच्छा जाएगा, नौकरी मिलने की संभावना प्रबल है उनका। 10:28 से लेकर 1:31 तक का समय, ये समय थोड़ा अच्छा समय नहीं है,
सावधानी रखना है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है, कुछ बुखार वगैरह की समस्या हो सकती है, किचन में जाने से बचें, धूप में रहने से बचें, अत्यधिक गर्मी में रहने से बचें। 1:31 से लेकर 4:30 तक का समय, ये समय संतान के लिए अच्छा समय है, मान सम्मान बढ़ेगा, बहुत सारे रोग घटेंगे, बहुत सारे युवा युवती समय अपने से प्रेम विवाह कर सकते हैं। 4:30 के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में, बुध आपके बाड़मेर में बैठे हुए हैं, बुद्धि सही ढंग से नहीं काम करेगा, स्वास्थ्य पे पूर्ण ध्यान देने की जरूरत आपको होगी। 7:40 से लेकर 8:58 तक का समय विदेश से लाभ होने का समय है, जो व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में है उनको लाभ होगा, जो व्यक्ति संचार माध्यम से है उनको लाभ होगा, जो व्यक्ति शिपिंग का कारोबार करते हैं उनको लाभ होगा, जो व्यक्ति प्रशासन में है उनको काफ़ी लाभ होने की संभावनाएं हैं, लेकिन जो व्यक्ति सेना में है पुलिस में है उनको नुकसान होने की संभावनाएं हैं, जो डॉक्टर्स हैं उनको लाभ होगा, जो दवा के व्यापारी हैं लाभ होगा, जो फिल्मों में काम करते हैं लाभ होगा, जो नौकरी की तलाश में उनको नौकरी मिलने की संभावनाएं प्रबल होंगी। आज के दिन आप दुर्गा जी का 108 नाम का जाप करें, दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र का जाप करें, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, तथा इस मंत्र का भी जाप करें आप। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयि, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयि, काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। तुला राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके द्वितीय स्थान पर, चंद्रमा शनि के ही नक्षत्र में है, अनुराधा नक्षत्र में, शनि बैठे हुए हैं आपके चतुर्थ स्थान पर, माता के स्वास्थ्य निराशा होगी, आपको परेशानी होगी, लेकिन माता से आपको लाभ होगा, पिता से आपको लाभ होगा, जो व्यक्ति प्रशासन में है काफ़ी लाभ होगा, जो व्यक्ति फिल्मों में काम करते हैं काफ़ी लाभ होगा, जो व्यक्ति नौकरी खोज रहे हैं उनको थोड़ी सी निराशा हाथ लगेगी, जो व्यक्ति व्यापार करते हैं उन्हें काफ़ी लाभ होने की संभावनाएँ हैं, जो व्यक्ति ग्रोसरी का व्यापार करते हैं दाल चावल का व्यापार करते हैं, जो व्यक्ति जमीन जायदाद का व्यापार करते हैं काफ़ी लाभ होने की संभावनाएं प्रबल है, जो व्यक्ति पुलिस सेवा में है उनका प्रमोशन होगा, जो व्यक्ति प्रशासन में है उनके के लिए भी समय बहुत ही सुंदर है, विशेष करके जो महिला प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके के लिए बेहतर से बेहतर समय है। 10:28 से लेकर 1:31 तक का समय, ये समय माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा समय नहीं है, पार्टनर आपको धोखा दे सकते हैं, पार्टनरशिप के व्यापार में विशेष सावधान रहने की जरूरत है। 1:31 से लेकर 4:30 तक का समय, ये समय बहुत अच्छा नहीं है, पेट के दर्द से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है आपको, हालांकि इस समय आपको पैटर्नल संपत्ति से लाभ हो सकता है, लेकिन शत्रु ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। 4:30 के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे ज्येष्ठा नक्षत्र में, जिसके स्वामी बुध हैं, बुध आपके एकादश स्थान में बैठे हुए हैं, बुध केतु के नक्षत्र में है, केतु आपकी कुंडली में लग्न में बैठे हुए हैं, काफ़ी यात्रा का योग होगा, संचार माध्यम से काफ़ी लाभ होने की संभावनाएं हैं, बुद्धि आपकी काफ़ी शार्प रहेगी, ग्रोसरी के व्यापार में काफ़ी लाभ होगा, जो व्यक्ति फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनको काफ़ी लाभ होने की संभावना है, जो व्यक्ति नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको नौकरी मिलने की प्रबल संभावनाएँ होंगी। 7:40 से लेकर 8:58 PM तक का समय, थोड़े से तंत्र मंत्र में ज़्यादा रुचि ले सकते हैं, धर्म में भी ज़्यादा रुचि ले सकते हैं, धार्मिक स्थान की यात्राएं कर सकते हैं, लोगों की सेवा का भाव होगा आप में, लोगों की मदद करने की काफ़ी जिज्ञासा और इच्छा होगी आपको, लोगों की मदद भी आपको करेंगे, तो कुल मिलाकर तुला राशि वाले दिन आपका बहुत ही अच्छा है, केवल माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं
तो पार्टनर पर विशेष ध्यान रखें, पार्टनरशिप टूट भी सकता है, जमीन जायदाद से काफ़ी लाभ होगा। जो व्यक्ति शिपिंग का काम करते हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। आज के दिन आप, रविवार का दिन है, सूर्य को जल जरूर चढ़ावें, गायत्री मंत्र का जरूर पाठ करें, साथ ही साथ आप दुर्गा जी के 32 नाम का जाप करें, तथा आज के दिन आप किसी भी लाल गाय को हरा चारा खिलावे, काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। वृश्चिक राशि, चंद्रदेव आप ही की राशि पर बैठे हुए हैं, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में, शनि तृतीय स्थान में बैठे हुए हैं, काफी सुस्त और आज के दिन आप काफी आलसी रहेंगे। हालांकि यात्रा का समय है, यात्रा का योग है, यात्रा से आपको लाभ होने की स्थिति बनती है, सरकार से आपको लाभ होने की स्थिति बनती है, पूजा पाठ के व्यापारी को काफ़ी लाभ होने की स्थिति बनती है, ग्रोसरी के व्यापारी को काफ़ी लाभ होने की स्थिति बनती है, सबसे ज़्यादा लाभ होने की स्थिति बनती है जो फिल्मों में काम करते हैं, जो होटल व्यवसायी हैं उन्हें काफ़ी लाभ होने की संभावनाएँ प्रबल हैं। 10:28 से लेकर 1:31 तक का समय है, ये समय बुरा नहीं है लेकिन अच्छा भी नहीं है। थोड़े शत्रु से आप परेशान रह सकते हैं, हालांकि शत्रुओं पर विजय होगी आपकी। जो व्यक्ति पुलिस सेवा में है उनका ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकता है, उन्हें काफ़ी मान सम्मान मिल सकता है। 4:30 के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में, ज्येष्ठा नक्षत्र में, अब बुध आपके बैठे हुए हैं दशम स्थान पर, केतु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, केतु बाढ़ में बैठे हुए हैं, हर काम सावधानी से करें, काम धाम में कुछ नुकसान हो सकता है लेकिन विदेश के काम से आपको लाभ होगा, संचार माध्यम के काम से लाभ होगा, लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र में जो है उन्हें थोड़े से नुकसान होने की संभावनाएं प्रबल हैं। अपने इंस्टीट्यूट को दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं, कुछ नए व्यवसाय के लिए भी सोच सकते हैं। 7:40 से लेकर 8:58 तक का समय, ये समय खर्च की अधिकता रहेगी, मन भी थोड़ा सा बेचैन रहेगा लेकिन विदेश से लाभ होने की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। तो कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले, दिन बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत बुरा भी नहीं है। आज के दिन आप शिवालय जाएं, लाल फूल चढ़ावें, दही दूध मध घी से शिवलिंग को अभिषेक करें, साथ ही साथ आज के दिन अनार के कुछ दाने शिवलिंग पर चढ़ावें, बिलपत्र चढ़ावें, धतूरा चढ़ावें, भांग चढ़ावें और वहीं बैठकर शिव जी के किसी भी मंत्र का जाप करें, किसी भी मंत्र का जाप। आज के दिन आप हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी के सामने 3 मुख वाला दीपक जलावें तिल के तेल में, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। धनु राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके 12वें स्थान पर, वृश्चिक राशि में, शनि के नक्षत्र में, शनि आपके दूसरे स्थान में बैठे हुए हैं। यात्रा तो आज किसी भी कीमत पर ना करें, यात्रा के लिए दिन कहीं से भी अच्छा नहीं है। शनि की सरसाती भी चल रही है आपको, जो 17 जनवरी 2023 को खत्म हो जाएगी। शनि मंगल के नक्षत्र में, मंगल राहु बैठे हुए हैं आपके 5वें स्थान पर, जमीन जायदाद से आपको काफ़ी लाभ होने की स्थिति बनती है। जो व्यक्ति स्कूल का व्यापार करते हैं उनको काफ़ी लाभ होने की स्थिति बनती है, जो व्यक्ति पूजा पाठ का काम करते हैं उनको भी लाभ होने की स्थिति बनती है, परंतु अस्त्र शस्त्र से आपको बच के रहना है। हालांकि अस्त्र और शस्त्र के काम करने वाले को लाभ होने की स्थिति बनती है। जो व्यक्ति शिपिंग का व्यापार करते हैं उनके लिए दिन कहीं से भी अच्छा नहीं है। जो व्यक्ति टूर एंड टूरिज्म का काम करते हैं उनके लिए दिन कहीं से भी अच्छा नहीं है। जो व्यक्ति संचार माध्यम से काम करते हैं उन्हें काफ़ी लाभ होगा। 10:28 से लेकर 1:31 तक का समय, ये समय संतान के लिए अच्छा समय नहीं है। हालांकि संतान इस समय आपके हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने की संभावनाएं उनकी हो सकती हैं, दूसरे शहर में जाने की संभावनाएं हो सकती हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने की संभावनाएं हो सकती हैं। 1:31 से लेकर 4:30 तक का समय, मान सम्मान आपका बढ़ा हुआ रहेगा, खर्च में आपकी कमी होगी,
माता के स्वास्थ्य से काफी लाभ होने की स्थिति है। पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है आपको। जमीन जायदाद से इस समय फायदा होने की संभावनाएं हैं आपको। 4:30 के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में। बुध आपके नवम स्थान में बैठे हुए हैं, केतु के नक्षत्र में। बहुत ही सुंदर समय है। जो व्यक्ति स्कूल का काम करते हैं, जो व्यक्ति संचार माध्यम से काम करते हैं, जो व्यक्ति पूजा पाठ का काम करते हैं, जो व्यक्ति तंत्र मंत्र का काम करते हैं, जो व्यक्ति एनजीओ चलाते हैं, जो व्यक्ति सामाजिक सेवक हैं, जो व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके लिए बेहतर से बेहतर समय है। तो कुल मिलाकर धनु राशि वाले, समय आपका करीब करीब अच्छा है। यात्रा तो भूल के भी नहीं करनी है। शिपिंग के व्यापारी काफ़ी सोच समझ के काम करें, आपके लिए समय अच्छा नहीं होगा। लिक्विड से रिलेटेड जो काम करते हैं उनके लिए समय अच्छा नहीं होगा। खर्च कम होंगे आज के दिन आपके, जो ये प्लस पॉइंट है। आज के दिन आप सूर्य को जल चढ़ाना ना भूलें। पिता का स्वास्थ्य अच्छा दिखलाई नहीं देता है। सूर्य को जल चढ़ावे और गायत्री मंत्र का ही पाठ करें आप। 108 बार गायत्री मंत्र का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती के किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। दुम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा, ओम दुम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा, काफी लाभ होगा। दिन आपका शुभ हो। मकर राशि, चंद्रदेव आपके एकादश स्थान में बैठे हुए हैं, शनि के नक्षत्र में है। शनि आपके लग्न में बैठे हुए हैं, राशि पे बैठे हुए हैं। शनि की सारी साथी चल रही है। शनि मंगल के नक्षत्र में, मंगल आपके चतुर्थ स्थान में राहु के साथ बैठे हुए हैं। जमीन जायदाद के व्यापार से काफी लाभ होगा। पैटर्नल प्रॉपर्टी से थोड़ी हानि होने की संभावनाएं प्रबल हैं। आलस की भावनाएं आज के दिन ज्यादा रहेंगी। जो व्यक्ति विदेश से काम करते हैं उनको काफी लाभ होने की स्थिति आज के दिन बनी हुई है। जो व्यक्ति ऑटोमोबाइल का काम करते हैं उनको भी लाभ होने की स्थिति बनी हुई है। जो होटल का व्यवसाय करते हैं, जो फिल्मों में काम करते हैं, जो ज्वेलरी वगैरह का काम करते हैं, जो रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं, उन्हें काफ़ी लाभ होने की स्थिति बनती है। जो व्यक्ति स्कूल चलाते हैं, जो व्यक्ति कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, उनको काफ़ी नुकसान होने की संभावनाएं हैं। जो व्यक्ति नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी के लिए आज का दिन आपके लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी नौकरी की सूचनाएँ अवश्य मिल सकती है आपको। 10:28 से लेकर 1:31 पीएम तक का समय, ये समय थोड़ा माता के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ही अच्छा समय नहीं है। जो व्यक्ति जमीन जायदाद का काम करते हैं उसमें भी उनको काफ़ी देरी होने का समय है। कोई काम फंस जाने का समय है। तो 10:28 से लेकर 1:31 तक का समय अच्छा नहीं है। 1:31 से लेकर 4:30 तक का समय, ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। विदेश से काफ़ी लाभ होने की स्थिति बनती है आपको। धर्म के रास्ते पर चलेंगे, सच्चे मार्ग के रास्ते पर चलेंगे, लोगों को सच्चा मार्ग भी दिखावेंगे, पड़ोसियों से अच्छे तालमेल बने हुए रहेंगे आपके। 4:30 के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में। बुध आपके कुंडली में छठे स्थान के स्वामी हैं। बुध आपके कुंडली में भाग भाव के स्वामी हैं। बुध बैठे हुए हैं आपके अष्टम में। बुध केतु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो जो व्यक्ति गुप्तचर हैं, CBI में काम करते हैं, विजिलेंस में काम करते हैं, जो व्यक्ति रिसर्च करते हैं, उनके के लिए तो समय बहुत अच्छा है। आज पार्टनरशिप के व्यापार करने वाले के लिए, व्यापार करने वाले के लिए समय बहुत अच्छा है। शिपिंग के व्यापारी के लिए अच्छा समय है। टूर एंड टूरिज्म के ऑर्गेनाइज करने वाले के लिए बहुत ही शानदार समय है। जो गेहूं के व्यापारी हैं, ग्रोसरी के व्यापारी हैं, उनको अच्छा लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति दाल के व्यापारी हैं उनको नुकसान का संभावना उनका प्रबल है। 4:30 से लेकर 7:40 तक सोच समझ के सारे काम करें आप। 7:40 से लेकर 8:58 यानी 8:58 PM तक का समय संचार माध्यम से लाभ होगा। जो व्यक्ति रिसर्च करते हैं उन्हें काफ़ी लाभ होगा। जो व्यक्ति गुप्तचर हैं वो नई चीज़ को खोज सकते हैं। जो विजिलेंस में हैं, CBI हैं, वो नए कारनामे आज कर सकते हैं। बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाल सकते हैं आज के दिन। आज के समय
तो कुल मिलाकर शनि की सारे साथी भी आपको चल रही है, शनि मंगल के ही नक्षत्र में है, मंगल आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं, आय भाव के स्वामी हैं, मंगल चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, जमीन जायदाद से तो आय होगा ही आपको। आज के दिन आप विशेष करके शनि के मंत्रों का जाप करना न भूलें, हनुमान चालीसा का पाठ करना न भूलें, साथ ही साथ दुर्गा जी के इस मंत्र का जरूर जाप करें आप। ओम दुं दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा, ओम दुं दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा, ओम दुं दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा। काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। कुंभ राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके दशम स्थान पर, वृश्चिक राशि में चंद्रमा शनि के ही नक्षत्र में है, शनि बैठे हुए हैं आपके बारहवें में, शनि आपके लग्नेश हैं, लग्न भाव के स्वामी हैं, राशि भाव के स्वामी हैं, अपने से बारहवें में बैठे हुए हैं, शनि की सारी साथी चल रही है, स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है आपको। आंख में प्रॉब्लम हो सकता है, एक आंख आपका ड्राई हो सकता है। बुध देव आपके सप्तम स्थान में व्यापार स्थान में बैठे हुए हैं, बुध भी केतु के नक्षत्र में है, केतु आपके नवम में बैठे हुए हैं, भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। भाग के कारण पार्टनरशिप के व्यापार में भी काफ़ी फायदा होंगे। जो व्यक्ति ग्रोसरी का व्यापार करते हैं, जो व्यक्ति एजुकेशन सेक्टर से व्यापार करते हैं, जो व्यक्ति नौकरी चाहते हैं, नौकरी मिलने की प्रबल संभावनाएं आपको रेलवे में हो सकती है, नौकरी मिलने की प्रबल संभावनाएं आपको बैंकिंग में हो सकती है, नौकरी मिलने की प्रबल संभावना आपको स्कूल में हो सकती है, टीचिंग में हो सकती है, तो समय ये काफ़ी अच्छा है। 7:40 से लेकर 8:58 तक का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। 8:58 यानी 8:58 PM से लेकर 12 बजे रात्रि तक का समय, ये समय भी आपके लिए अच्छा है, खास करके फिल्मों में काम करने वाले के लिए, खास करके विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले के लिए समय अच्छा है। तो कुल मिलाकर कुंभ राशि वाले, समय आपका बुरा नहीं है, आंख पर थोड़ा सा ध्यान दें, स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सारे आज व्यक्ति, बहुत सारे युवा युवती आज अपने से शादी ब्याह कर सकते हैं, विशेष करके 4:30 से लेकर 7:40 PM तक, तो थोड़ा बचें। आज के दिन आप हनुमान चालीसा का कम से कम 11 बार पाठ करें, साथ ही साथ शनि के मंत्रों का जरूर जाप करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम सनिचराय नमः। आज के दिन आप हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान मंदिर में पीपल के कपोल पत्ते ले, उसे अच्छी तरह से साफ कर दे, 11 पत्ता, उस पर जय श्री राम का लिख के माला बनावे, लाल धागे में उसके माला बना लें और हनुमान जी के गले में डालें, बहुत सारे आपके प्रॉब्लम ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे, दिन आपका शुभ हो। मीन राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके भाग्य भाव में, वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है, शनि आपके आय भाव में बैठे हुए हैं, सुंदर समय है आपका, अच्छा समय है आपका। जो इंजीनियरिंग सेक्टर में है काफ़ी लाभ मिलेगा, जो व्यक्ति विशेष करके लोहे के व्यापारी हैं, कोयले के व्यापारी हैं, लेबर सेक्टर से काम करते हैं, काफ़ी लाभ की संभावनाएं आपकी प्रबल है। बृहस्पति देव लग्न में बैठ के काफ़ी लाभ दिला रहे हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा दिला रहे हैं, संतान का भी मान सम्मान बढ़ेगा, भाग्य की स्थिति अच्छी रहेगी, दाम्पत्य जीवन की स्थिति अच्छी रहेगी। 10:28 से लेकर 1:31 तक का समय, ये समय आपके लिए धन धान के लिए तो काफ़ी अच्छा है, पैटर्नल प्रॉपर्टी के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन वाणी में काफ़ी आपकी रूखापन रहेगा, कठोर वाणी रहेंगे, अभद्र वाणी भी रह सकते हैं, जिससे आपके काम काफ़ी गड़बड़ा सकते हैं। 1:31 से लेकर 4:30 तक का समय, ये समय आपका मान सम्मान काफ़ी बढ़ेगा, सत्य की राह पर चलेंगे। जो व्यक्ति ज्योतिषी हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो व्यक्ति राइटर हैं, जो व्यक्ति जमीन का कार्य करते हैं, उनके के लिए काफ़ी सुंदर समय है।
जो व्यक्ति पुलिस डिपार्टमेंट में है, जो व्यक्ति प्रशासन में है, जो व्यक्ति डॉक्टर हैं, उनके के लिए काफ़ी अच्छा समय है। 4:30 के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में। बुध आपके छठे स्थान में बैठे हुए हैं, जो आपको लाभ ही देंगे, नुकसान नहीं देंगे। बुध छठे स्थान में बैठे हुए हैं, जो व्यक्ति व्यापार करते हैं, पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, ग्रोसरी का व्यापार करते हैं, स्कूल कॉलेज का व्यापार करते हैं, उनके के लिए समय अच्छा नहीं है। हर काम सावधानी से करनी होगी, कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है आपकी। तो 4:30 से लेकर 7:40 तक का समय कहीं से अच्छा नहीं है। 7:40 से लेकर 8:58 तक का समय, ये समय भी अच्छा नहीं है। बुद्धि सही ढंग से काम नहीं करेगा। लेकिन जो व्यक्ति तांत्रिक हैं, जो व्यक्ति मांत्रिक हैं, उनके के लिए बहुत ही सुंदर समय है। जो व्यक्ति इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके के लिए भी समय बहुत सुंदर है। जो व्यक्ति पूजा पाठ में विशेष ध्यान देते हैं, उनके के लिए समय अच्छा है। जमीन जायदाद के लिए समय अच्छा है। मन थोड़ा सा बेचैन रहने की संभावनाएं प्रबल हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है आपको। 7:40 से लेकर 8:58 तक का समय, यानी 9 तक का समय, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। मन काफी बेचैन रहेगा, पेट में गैस की प्रबल संभावनाएं आपकी बढ़ेगी, पेट में आपको तकलीफ होगा। तो मीन राशि वाले, फर्स्ट हाफ आपका काफी अच्छा है, यानी कि 4:30 के पहले का समय काफी अच्छा है। 4:30 के बाद आप विशेष ध्यान दें। आज के दिन आप सूर्य को जल चढ़ावें, गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें, साथ ही साथ शिवलिंग पे अनार का रस चढ़ावें और वहीं बैठकर शिव जी के इस मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीम श्रीम शिवाय नमः, श्रीम ह्रीम ओम ह्रीम श्रीम शिवाय नमः, श्रीम ह्रीम ओम ह्रीम श्रीम शिवाय नमः, श्रीम ह्रीम। दुर्गा जी के किसी भी मंत्र का जाप करें, खास करके आज के दिन आप दुर्गा जी के इस मंत्र का जाप करें। शरणागत दीनार्थ परित्राण प्रायणे सर्वशार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण प्रायणे सर्वशार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। राशिफल के श्रृंखला में इतना ही। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।